Global education reform movement. This is a very big movement which has been uh, implemented throughout the world for the uh, last century. But what is this global reform movement? The trends associated with GERM are standardization of teaching and learning. What is the GERM ek bahut movement? Hai. क्योंकि इसने स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं सोसाइटी के लिए कि भाई आप इन स्टैंडर्ड्स के तहत इन मैारा के तहत छोटे बच्चों की तरबियत करेंगे और वो ना सिर्फ एन्वामेंट के लिए हैं बल्कि टीचिंग और लर्निंग के लिए भी हैं फिर ओवर एम्फोसिस ऑफ कोर सब्जेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड लिटरेसी तो अब ऐसा है कि वो समझते हैं कि मैथ और लिटरेसी तो हर बच्चे को आनी चाहिए इसलिए ये लाजमी हो और इसी के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है फिर टेस्ट बेस हाई स्टेक्स अकाउंटेबिलिटी एंड टेस्टिंग जो हमारी ग्लोबल रिफॉर्म मूवमेंट है वो समझती है कि बड़े मयारी और तयशुदा टेस्ट हों जिन पर तमाम टीचर्स को अकाउंटेबल किया जाए तमाम ई सी स्कूल्स को अकाउंटेबल किया जाए कि वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट पेश करें सब बच्चों के लिए इस तरह से वो ये समझते हैं कि तमाम बच्चों को एक ही दायरा कार में लाया जाएगा दैन प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम उन्होंने कहा कि एक ख़ास करिकलम जो हमने बना दिया है जो गवर्नमेंट ने ऑफ़र कर दिया है आपको उसी पे दरा दरामद करना है फिर प्राइवेटाइजेशन अब प्राइवेटाइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सी गवर्नमेंट्स खा वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हों अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हों वो इसको मुकम्मल तौर पर जो ज़रूरियात है एजुकेशन की वो पूरा नहीं कर सकते तो क्या सूरत है कि प्राइवेट जो आपके इन, 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 सेक्टर है उसको आगे आना पड़ता है तो पूरी दुनिया के अंदर 40 से 50 फीसद तक जो एजुकेशन सेक्टर है वो प्राइवेट है सो देन पेरेंटल चॉइस अब जब आपके पास दो सेक्टर होंगे पब्लिक और प्राइवेट तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स किस चीज़ की चॉइस करते हैं उसमें उन्होंने कहा जी उनको ऑप्शन दी जाए फिर इंक्रीज कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कि जो स्टूडेंट स्टूडेंटल टीचर्स हैं उनको वही करना है जो हम बता रहे हैं लर्नर्स को भी और टीचर्स को भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट इसमें रखी गई तो जैसे मैंने अर्ज किया था कहने को तो बड़ी अच्छी मूवमेंट है लेकिन जम इसको क्यों कहा इसके नाम की वजह से या किसी और वजह से बात कुछ ऐसे है कि जम डॉट केटर चाइल्ड नीर सच एज एक तरफ पॉलिसी हैं जो पॉलिटिक्स से मुतासर हैं जिनको सारी दुनिया के अंदर अपने पॉलिटिक्स को किसी ना किसी तरह से एनहेंस करना है शो करना है और दूसरी तरफ आपके ई के साइकोलॉजिस्ट हैं जो समझते हैं कि बच्चे की नफसियात तो बड़ी नरमो नाजिक है उसको कुछ और चाहिए मसलन जो चाइल्ड डेवलपमेंट और न्यूरो साइंस है वो लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा तो एक्टिवली लर्न करता है उसको तो खेल कूद एक्सपीरियंसेस चाहिए उसको नेचर में जाना है उसको मुख्तलिफ चीज़ों को टच करना है देखना है उसको मूवमेंट करना है उसको हरकत करनी है उसको अपनी सेंसेस को यूज़ करना है मतलब वो टच करेगा देखेगा महसूस करेगा तभी उसके एक्सपीरियंसिस बनेंगे जो लाइफ लॉन्ग होंगे ना कि आप उसको कुछ रिटन मेटीरियल के ऊपर कन्फाइन कर दें कि यह बुक्स है यह सिलेबस है और यू हैव टू बी यू है वो एक सिलेबस खत्म करना जैसे किसी दौर में हमारे मुल्क में भी ये चीजें थी डूइंग हैंड्स ऑन थिंग बच्चा जो है उसको तो हाथ से करके ही पता चलता है स्किल्स पैदा होती हैं वरना तो वो थियोरेटिकली कुछ नहीं सीख सकता इंटरेक्टिंग विद अदर किड्स एंड टीचर्स सो लोग कहते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चा टीचर्स के साथ और किड्स के साथ इंटरेक्ट करता है और वहीं से वो सीखता है अगर उसके तजुर्बात ठोस नहीं होंगे और वाकई वो दूसरों के साथ डील नहीं कर रहा होगा तो उसके अंदर सोशल एबिलिटीज़ पैदा नहीं हो सकती फिर क्रिएटिंग एंड इन्वेंटिंग यह बच्चे का कुदरती हक भी है और उसकी एक नेचुरल इंस्टिंग्ट और टेंडेंसी भी है सो so, उसको क्रिएट भी करना है उसको इन्वेंट भी करना है आप उसको एक स्पेसिफाइड सिलेबस के तहत या करिकुलम के तहत रोक नहीं सकते राधर रिग्रेस इंस्ट्रक्शन एंड वायोलेट्स अ चाइल्ड राइट टू प्ले और इसके साथ ही जो इंस्ट्रक्शन है जो जम जो हमारी ग्लोबल रिफॉर्म मूवमेंट है उसके यहाँ रिग्रेस इंस्ट्रक्शन है और वो कहते हैं रिग्रेस इंस्ट्रक्शन जिस तरह से बच्चे के प्ले के राइट को खेल के हक को तलफ करती है वो ठीक नहीं है बच्चा खेल के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर तजुर्बात सीखता है और खेल से ही वो एक बेहतरीन बालग बनता है इसलिए बहुत से लोगों को ग्लोबल एजुकेशन रिमो मोमेंट पे इतराज़ है और उन्होंने इसके लिए बहुत सी सुजेशनस दी हैं